नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज से मैं अपना YouTube चैनल स्टार्ट कर रही हूँ। मैं इस चैनल में अलग अलग डिशेस बनाऊँगी। जैसे कि ये मेरी पहली वीडियो है, मैं सोच रही थी किसी स्वीट डिश से स्टार्ट किया जाए, तो आज मैं गुलाब जामुन बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ गुलाब जामुन की चाशनी बनाना। चाशनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 250 ग्राम ये चीनी ली है और 1 गिलास हमने ये पानी लिया है। और अब हम एक ये बर्तन लेंगे और इसमें हम चाशनी तैयार करेंगे और पानी और चीनी को हम इसमें मिला देंगे। और याद रखिएगा, ये सारी क्वांटिटी मैंने 100 ग्राम गुलाब जामुन पाउडर के हिसाब से ही लिए हैं। ये देखिए, चाशनी यहाँ पर तैयार हो रही है और हमें ये तब तक चलाना है जब तक ये चीनी इसमें मेल्ट ना हो जाए और इसको हमें हल्का गाढ़ा करना है, ठीक हो जाए जब तक। ये देखिए, चाशनी हमारी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। मैं इसमें खुशबू के लिए इलायची का पाउडर डाल रही हूँ। वैसे आप इसमें एसेंस भी डाल सकते हैं जो आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। चाशनी यहाँ पर तैयार हो चुकी है, अब हम बनाएंगे गुलाब जामुन। ये मैंने 100 ग्राम गुलाब जामुन का पाउडर लिया है और एक बाउल लिया है जिसमें हम डो तैयार करेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये पैकेट तो है 400 ग्राम का, उसमें से मैं यूज केवल 100 ग्राम ही करूँगी और इसको मैं गुनगुने दूध से ये डो तैयार कर रही हूँ। और आप डो तैयार करने के लिए गुनगुना दूध भी यूज कर सकते हैं और गुनगुना पानी भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमारा डो तैयार हो चुका है। ये ना ज़्यादा सॉफ्ट है ना ज़्यादा हार्ड है। अब हम इस डो से छोटी छोटी बॉल्स तैयार कर लेंगे। बॉल्स तैयार करने के लिए हम एक कटोरी में घी लेते हैं। अब इस घी को हाथ पे लगाकर छोटी छोटी बॉल्स तैयार करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमारी सारी बॉल्स तैयार हो चुकी हैं। अब बारी है गुलाब जामुन तैयार करने की। अब मैंने चूल्हे में कढ़ाई ले ली है, इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है। अब मैं ऑयल को थोड़ी देर तक गर्म होने दूंगी। अब ऑयल को चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर छोटा सा गुलाब जामुन का एक टुकड़ा डाला है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हमारा ऑयल गुलाब जामुन बनाने के लिए रेडी हो चुका है। अब हम इसमें एक एक करके अपने सारे गुलाब जामुन डाल देते हैं। यहाँ से गुलाब जामुन को रेडिश ब्राउन होने तक फ्राई करते हैं। अब हम गुलाब जामुन को निकाल करके चाशनी में 30 मिनट्स के लिए छोड़ देते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारे गुलाब जामुन रेडी हो चुके हैं और हमने इनको सर्व कर लिया है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई फर्स्ट वीडियो। जैसे कि दोस्तों, ये मेरी पहली वीडियो है, इसमें बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। कृपया मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राधे राधे।